हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस वेव थ्योरी। आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 5-7 मिनट इस वीडियो को देख लेना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट कर देना। कंप्लीट 5 मिनट सीरीज आपका वेट कर रही है, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहे, बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। बात करेंगे कि किस तरह से हम प्रूव करें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो काम की बात पे आते हैं, तो काम की बात यह है कि हमें प्रूव करना है ये दैट इज आर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज आर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ये हमारा टारगेट है। दूसरी बात, अगर हम करें इस डेरिवेशन को प्रोसीड करने के लिए, तो आपको याद रखना है बिल्कुल बहुत छोटी सी बात कि यदि रे पर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो, यदि आप नॉर्मल दैट मींस यदि आप 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे लाइट रे पर, तो आपको मिलेगा वेव फ्रंट। क्या मिलेगा? वेव फ्रंट। जैसे अगर आपके पास ये एक रे है, तो यहां पर इस पर 90 डिग्री बनाया तो क्या मिल गया? वेव फ्रंट। क्या मिला? वेव फ्रंट। अगर आपके पास ये एक लाइट रे है, तो इस पर अगर आप 90 डिग्री ड्रॉ करोगे तो ये क्या मिल गया आपको? वेव फ्रंट। यदि ये रे है तो इस पर 90 डिग्री ऐसे जाएगी, ये क्या है? वेव फ्रंट। आगे बहुत काम की बात ये है कि अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ जाए, बोले एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके साथ होता है, तो क्या बोलोगे? बोला हमेशा इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के साथ, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के साथ बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यदि एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछ लिया जाए तो इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, तो मतलब नॉर्मल और जो रे है वो एंगल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इंसिडेंट एंगल। नाउ अब बात करेंगे किस तरह से जो है डायग्राम वायग्राम बनाना है। तो बस एक बात याद रखना, लाइट रे पर 90 डिग्री डालोगे वेव फ्रंट मिलेगा। तो लेट से हमारे पास ये एक रेयरर मीडियम है और ये एक डेंसर मीडियम है। इस रेयरर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो है v1, इस डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड है v2। नाउ यहां से मान के चलो कि ये आई लाइट रे, ठीक है, ये लाइट रे आई और एक और लाइट रे इसके साथ ये आ गई ऐसे। चलिए नाउ अब यहां पर जैसे ही लाइट इंसिडेंट करेगी, हमें ड्रॉ करना होता है एक नॉर्मल। हमने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यहां पर भी लाइट इंसिडेंट की, हमने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब आप देखो यहां से समझ गए कि लाइट रे के ऊपर अगर आप 90 डिग्री ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा वेव फ्रंट। तो देखो ये कौन सी लाइट रे है, यह है इंसिडेंट लाइट रे। कौन सी? ये इंसिडेंट। ये भी कौन सी है? बोला इंसिडेंट लाइट रे। तो यहां पर आपको 90 डिग्री ड्रॉ करने से कौन सा वेव फ्रंट मिलेगा? बोला इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये देखो, ये देखना ना, ये देखो इसके ऊपर 90 डिग्री बना दिया, ये रहा, ये बन गया। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट को क्या नाम दोगे? लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। चलिए भाई अब देखो ये ए बी इस वेव फ्रंट का नाम हो गया। अब यहां पर थोड़ी सी एंगल वेंगल की बात कर ली जाए। देखना लाइट रे आई, ये देखो ये एक लाइट रे आई, ये दूसरी लाइट रे आई। आप जानते हो कि जब लाइट आती है तो लाइट, ये रेयरर मीडियम है, अब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट रे जाएगी तो ये हल्की सी बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल। ये लाइट रे आई यहां से और ये नॉर्मल की ओर थोड़ी सी बेंड हो गई। तो ये देखो ये इंसिडेंट रे है और ये कौन सी रे है? ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। ये वाली देखो यहां से क्या होगा, यहां से ये यहां से सीधी जाने वाली थी लेकिन अब ये बेंड हो गई। क्या हो गई? बेंड। तो देखो ध्यान से देखना, ये कौन सी लाइट रे? ये है रिफ्रैक्टेड लाइट रे। कौन सी? रिफ्रैक्टेड। कौन सी? रिफ्रैक्टेड। तो ये जो नॉर्मल है इसके साथ कौन सा एंगल बनेगा? तो आप कहोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये देखो ये कौन सी लाइट रे है? ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे। ये भी तो रिफ्रैक्टेड है, बेंड हुई वाली, तो ये भी कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो ये कौन सा वेव फ्रंट? ये इंसिडेंट लाइट रे के ऊपर 90 डिग्री बनाया तो आपको मिला इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब देखो रिफ्रैक्टेड लाइट रे के ऊपर नॉर्मल बनाओगे, 90 डिग्री बनाओगे तो आपको मिलेगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। चलिए तो यहां से देखो इसके ऊपर आपको ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा एंगल हो, कौन सा वेव फ्रंट हो गया? रिफ्रैक्टेड। इसको नाम क्या दोगे? इसको नाम दे देना, लेट से ये ए है और ए का ये वाला हिस्सा यहां पर पहुंचा तो उसको हमने कह दिया A1, और बी का ये वाला हिस्सा उतने ही समय में पहुंचा इसको हमने कह दिया B1। ठीक है, चलिए यहां पर हमने इस नॉर्मल को N नाम दे दिया, इस नॉर्मल को भी हमने N N' दे दो, एक ही बात है, कोई फर्क तो नहीं है। अब यहां पर बात करेंगे एंगल्स की, तो आपको यहां पर एंगल में समझना है। ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो कि भाई ये कौन सी लाइट रे है? ये इंसिडेंट लाइट रे है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में हम इसको कौन सा एंगल कहेंगे? बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझना, अगर ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो देखो वेव फ्रंट
और ये वाली रे के बीच में टोटल एंगल 90, तो 90 में से ये तो हो गया आई, तो ये क्या बचा, बोला 90 माइनस आई, बचा या नहीं बचा। चलिए अब ध्यान से देखो, अब आपको इस पे नजर नहीं होनी चाहिए, अब आपकी इस पे नजर नहीं होनी चाहिए, आपकी नजर सिर्फ इतने पर होना चाहिए, इतने पर, ठीक है। तो मैंने कहा अगर ये आपका 90 है और इसमें से ये 90 माइनस आई हो गया, तो ये कितना बचा, बोला आई, कितना बचा आई। इसलिए आपको सिर्फ इतनी बात पर ध्यान देना है, आपको सिर्फ इतनी सी बात पर ध्यान देना है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ये आपका आई इस तरह से बनता है, लेकिन आपको डायरेक्ट बस एक बात पर ध्यान देना है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये जो इंटरफेस है, क्या इंटरफेस है ना, ये मैं कहूंगा ये ट्रांसपेरेंट मीडियम की सरफेस है, उसके साथ एंगल बनेगा आई। जबकि देखो ये आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और इसके साथ जो एंगल बनेगा वो होगा आर। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और इस सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा वो होगा आर। कैसे होगा भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे देखो ये आर है, ठीक है, ये आर है, इसके बाद देखना ये R है, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस R, तो इसको बचना पड़ेगा R, इसलिए ये डायरेक्ट हमने इसको लिख दिया R। अब आपको करना है प्रूव, तो प्रूव करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना प्रूव करने के लिए, बस मैं आपसे छोटी सी बात कहूंगा कि यहां पर बस इतना ध्यान दो। लेट से मान लो मैंने आपसे कहा कि जैसे देखो ये जो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थ्योरी हम जानते हैं कि वेवफ्रंट का हर एक पार्टिकल जो होगा ये एक फ्रेश सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह एक्ट करेगा। तो मान लो ये जो ए बी वेवफ्रंट आ रहा था, ये ए बी वेवफ्रंट इस ग्राउंड से टकराया और उसके बाद जैसे मान लो नीचे पानी है, तो फिर ये जो ए वाला हिस्सा यहां पहुंचा, ठीक है। अब ये यहां से टकराया, ठीक है, अब ये यहीं पर रह गया, तो ये यहां पर कुछ और समय में पहुंचेगा, है ना। मतलब इसने इतना पहुंचने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और इसने उतने समय में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहां पर लिखें AA1 क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो भाई स्पीड, पानी में स्पीड कितनी है, लेट से V2, तो V2 इंटू टाइम, इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अब देखो BB1 कैलकुलेट करना है, तो यहां पर आप देखो BB1 ये टी टाइम में कितना चला होगा, ये वेवफ्रंट का ये वाला हिस्सा, तो क्या बोलोगे, ऊपर हवा में स्पीड है लेट से V1 और ये हो गया V1 इंटू टी, तो आपने लिख दिया यहां पर इतना, ठीक। हमें प्रूव करना है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, तो हम क्या करेंगे, साइन आई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, साइन आई। तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना, बस साइन आई निकाल दो। साइन आई निकालने के लिए तो आप क्या देखोगे, पहले ट्राइंगल लिख लो, इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल वर्क कर ले, तो आपको ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है कितने ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। ये वाला ट्राइंगल देख लो, ये वाला, इसमें ये देखो 90 डिग्री बन रहा है, तो ध्यान से देखे ना, ये 90 डिग्री और ये एंगल आई, तो हम समझते हैं कि जिसके साथ 90 और एंगल आई बने उस साइड को हम बोलते हैं बेस, और ये 90 वाली को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो यहां पर देखना इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ABB1, इन ट्राइंगल ABB1 के साथ देखो साइन आई इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखना, थोड़ा सा क्विक रिविजन में अपन, तो परपेंडिकुलर है आपका BB1 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AB1, ठीक है ना। इसी तरह से आपने कहा कि इन ट्राइंगल कौन से वाले ट्राइंगल में, A A1 B1, ध्यान से देखो साइन आई, ये देखो यहां पर क्या करना, साइन आई नहीं साइन आर ना, तो ये देखो ये रहा आर, ये रहा 90, तो ये हो गया बेस, यहां पर ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आपको डायग्राम ये बनाना है इतना, मतलब जो आप अभी स्क्रीन पर आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा वो डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है, ध्यान देना। मतलब आपको डायग्राम में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज वगैरह ये रिप्रेजेंट नहीं करना होता। नाउ साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AA1 अपॉन हाइपोटेन्यूज AB1। नाउ साइन आई अपॉन साइन आर, देखो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन दे दो, ये इसको सेकंड दे दो, इसको थर्ड दे दो, इसको फोर्थ दे दो। नाउ डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय फोर्थ, तो आप करोगे भाई साइन आई अपॉन साइन आर। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, साइन आई की वैल्यू क्या है, BB1 अपॉन साइन आर की वैल्यू, साइन आई की क्या है अपॉन AB1 इंटू, ये साइन आर है ना अपॉन में, तो ये जाके पलट जाएगा, तो AB1 अपॉन AA1
AB1 से AB1 कैंसिल हो गया, तो आपका ये बचा BB1 की वैल्यू, जरा देखना BB1 की वैल्यू है V1 V1 into T, इसकी वैल्यू जरा देखो V2 into T, तो T से हो गया T कैंसिल, है ना। तो यहां पर क्या बच रहा है, यहां पर बच रहा है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो V1 अपॉन V2 का मतलब क्या है, वेलोसिटीज का रेशो, और V1 अपॉन V2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मींस म्यू। तो साइन आई अपॉन साइन आर आपका हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर हो गया आपका म्यू, और म्यू फॉर टू पेयर्स, म्यू फॉर टू पेयर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज आर स्नेल्स लॉ, दैट इज आर स्नेल्स लॉ। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो पाई। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।